बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास टू की इंग्लिश को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 30। यूनिट नंबर 6 है टॉपिक द बॉय एंड द बियर। सब टॉपिक है रीडिंग। जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था एक बॉय और एक बियर की स्टोरी के बारे में, कि जैसे वो दोनों आपस में इतने अच्छे फ्रेंड थे, वो साथ में खेलते थे, एक दूसरे के घर में रात को वो स्टे भी कर लेते थे और वो उन दोनों की ऐसी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी। अब नेक्स्ट स्टोरी में देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। हेलो द लिटिल बॉय सैड, वेयर आर यू गोइंग। छोटे लड़के ने कहा, हेलो तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू योर हाउस टू बी अ बॉय। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर में एक लड़का बनने के लिए जा रहा हूँ। सैड अ लिटिल बियर, छोटे बियर ने कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। टू योर हाउस टू बी अ बियर, द लिटिल बॉय सैड, मैं भी वो कह रहे तुम्हारे घर रीच बनने के लिए। नन्हे लड़के ने कहा, वो कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे घर रीच बनने के लिए जा रहा हूँ। नन्हे लड़के ने कहा, द लिटिल बॉय सैड, बट ओ डियर आई वुड रेदर बी हियर एट होम एंड जस्ट बी टू मी। लेकिन ओ खुदाया, मैं यही घर पर रहने और सिर्फ अपने आप को अपने आप बनने को तरजीह दूंगा। आई वुड रेदर जस्ट टू बी मी टू, क्राई द लिटल बियर, मैं भी अपना आप बनकर रहने को तरजीह दूंगा। नन्ना रीच चिल्लाया। एंड ही रन होम जस्ट एज फास्ट एज ही कुड रन, फिर वो इतना तेज भागा जितना कि वो भाग सकता था। द लिटल बॉय हरीड होम टू, नन्ना लड़का भी जो था वो भी अपने घर की तरफ भाग गया। ही पीप्ड इनटू द लिविंग रूम, और वो जो था अपनी वो इसने रिहायशी कमरे में झांककर देखा। दे हैव अ लिटल बियर ओवर एट बियर्स हाउस, रीच के घर में एक नन्ना रीच मौजूद है। इसने सैड ही सैड इन अ वेरी स्मॉल वॉइस, उसने धीमी आवाज में कहा, सो डू यू थिंक यू कुड यूज मी फॉर अ लिटल बॉय गेम। सो उसने कहा कि आप फिर मेरा यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे एक लिटल बॉय की तरह, एक छोटे लड़के की तरह दोबारा। और अफकोर्स आई डू सैड हिज मदर, आई सर्टेनली डू, उसने कहा, हाँ यकीनन, मैं उसकी अम्मी ने कहा, हाँ बिल्कुल यकीनन मैं ऐसा ही करूंगी। एंड द लिटल बॉय फेल अस्लीप इन हिज ऑन बेड, फिर जो था वो छोटा लड़का था वो अपने बेड पे जाके लेट गया, सो गया। सो ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट ऑल द फन ही वुड हैव द नेक्स्ट डे विद हिज फ्रेंड द बियर, फिर वो अपनी ख्वाब वो जो था उसको उसने ख्वाब के बारे में सोचा कि जैसे वो अपने फ्रेंड के बारे में सोचा कैसे वो फन करते थे और वो नेक्स्ट डे मिलकर अपने फ्रेंड बियर के साथ कैसे वो फन करेगा। तो स्टूडेंट, ये आप लोगों की स्टोरी आज कंप्लीट हो गई है द बॉय एंड द बियर की, कि कैसे उन लोगों की फ्रेंडशिप थी और वो कैसे इकट्ठे खेलते थे। इसकी रीडिंग आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।